Hello everyone, this is Rajeshwari, myself Rajeshwari. Today we will study spoken English lesson number 6. It's about negative sentences. Negative sentences matlab nakaratmak vakya. Vakya bahut prakar ke hote hain. Tense hum jante hain. Present tense, past tense, present tense एंड पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो फिर इज, आम, आर, हैव, हैज, डू, डज यूज होता है. जब हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो वाज, वेयर, हैड, डिड ऐसे बात करते हैं, ठीक है. और प्रेजेंटेशन में ये भी होता है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कैन, मे, मस्ट, नीड, विल, शैल, ऑट, डेयर, यूज्ड टू, ये सब यूज होता है. और पास्ट टेंस में कुड, माइट, वुड, शुड ऐसा सब यूज होता है. अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य कैसे यूज होता है. जहाँ पे नॉट का यूज होता है वहाँ पे उस वाक्य को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. बस अब नहीं आ रहे हैं, बस अब नहीं आ रही है, द बस इज नॉट कमिंग नाउ. आप यहाँ नहीं ठहर सकते, यू कांट स्टे हियर. मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू. वह आज नहीं जा सकते, ना नहीं जा सकती, सी कांट गो टुडे. वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर. वे अच्छे मित्र नहीं हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स. आज रविवार नहीं है, टुडे इज नॉट संडे. पुस्तक मेज पर नहीं है, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल. मैं यह सवाल नहीं निकाल सकता, आई कांट डू दिस सम. डॉक्टर अभी नहीं आ सकता, द डॉक्टर कैन नॉट कम नाउ. सुरेश दिल्ली में नहीं था, सुरेश वॉज नॉट इन दिल्ली. यह प्रश्नावली मुश्किल नहीं है, दिस एक्सरसाइज इज नॉट डिफिकल्ट. कल सोमवार नहीं था, यस्टरडे वॉज नॉट मंडे. दीवार पर तस्वीर नहीं था, देयर वॉज नॉट नो पिक्चर और नॉट पिक्चर ऑन द वॉल. नए शब्द अधिक नहीं थे, देयर वेयर नो मैनी न्यू वर्ड्स. वे हमारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, दे विल नॉट वेट फॉर अस. मैं बस में नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो बाय बस. वह तुम्हें रुपए उधार नहीं देगा, ही विल नॉट लेंड यू मनी. वह बुरा नहीं मानेगा, He will not take ill for it. वे मेले में नहीं गए, They did not go on the fair. तुम कल नहीं आए, You did not come yesterday. मैं चाय नहीं पीता, I don't take tea. लड़कियों को मत छोड़ो, Don't tease the girls. मत छेड़ो, Don't tease the girls. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल. वह कठोर परिश्रम नहीं कर रही है, सी इज नॉट वर्किंग हार्ड. मेरा आने का इरादा नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू कम. वे भूखे नहीं थे, दे वेर नॉट हंग्री. उनके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, सी हैज नॉट ए गुड ड्रेस. मेरे बड़े भाई नहीं है, आई डोंट हैव एन एल्डर ब्रदर. मेरे पास पालतू कुत्ता नहीं था, वी डिड नॉट हैव ए पेट डॉग. अब वह यहाँ काम नहीं करती, नाउ सी डज नॉट वर्क हियर. मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम. तुम अब नहीं जा सकते, यू मे नॉट लीव नाउ. मुझे तैरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तुम्हें उन्हें नहीं कहना चाहिए,
यू ऑट नॉट टू टेल देम। वह यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता, ही डेयर नॉट टू कम हियर। तुमने शेक्सपियर नहीं पढ़ा है, यू हैव नॉट रीड शेक्सपियर। तुम्हारे पास बहुत सा रुपया नहीं है, है क्या? यू डोंट हैव ए लॉट ऑफ मनी, हैव यू? दिस इज क्वेश्चन मार्क, देयर इज टू सेंटेंसेस, इट्स अ कंबाइंड सेंटेंस। मैं सच नहीं बोल रहा, बोलो, बोल रहा हूँ क्या? आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, एम आई? क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? हैव नॉट यू टेकन योर फूड येट? मुझे पक्का पता है वह नहीं आएगा, आई एम डीड श्योर ही वोंट कम। तुम्हें माता पिता का कहना नहीं टालना चाहिए, यू ऑट नॉट टू डिसओबे योर पेरेंट्स। अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नाउ यू शुड नॉट गो। राष्ट्र एक दिन में नहीं बनते, नेशंस आर नॉट बिल्ड ए डे। तुम वहाँ जाने को बाध्य नहीं हो, यू नीड नॉट गो देयर। उसे रुपयों की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड मनी। आपको यह नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन इट। यहाँ पे हमारा स्पोकन इंग्लिश का छठा लेसन ख़त्म होता है। अगर कुछ क्वेश्चन डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।